ठीक है। सो जस्ट टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, इस टाइम पे देवित की इसलिए थोड़ी सी अकड़ी पड़ी है क्योंकि हम लोग ये रिकॉर्डिंग सेकेंड टाइम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ये हेडफोन्स यूज किए थे जिसकी वजह से ऑडियो बहुत बुरी आई है ना। तो ये इंट्रो हो गया आज का। ऐसा है कि दिस कॉन्सेप्ट इज कि बेसिकली वी विल नॉट एडिट एनीथिंग और ये स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक रिकॉर्डिंग ऐसी जाएगी, ठीक है। तो मेरा इट इज बेसिकली व्हाट यू कैन से इज अ रफ कॉन्वर्सेशन इन कॉन्वर्जेशन, ठीक है। सो स्टार्टिंग, हमारी अब वीडियो 2 महीने बाद आ रही है, एंड द फनी थिंग इज कि हम लोगों ने जो इसकी जो पहली वाली जो वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने एक बात बोली थी, इफ यू लुक एट इट, उसकी स्टार्टिंग ऐसी हुई है, हम लोग कितने दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं, 2 हफ्ते बाद डाल रहे हैं, राइट। उसकी कुछ ऐसी स्टार्टिंग थी, एंड लाइक वी वर लिटरली डिसअपॉइंटेड कि हम लोगों ने 2 हफ्ते तक कुछ नहीं डाला और अब 2 महीने होने वाले हैं। एनी वे वी विल टॉक अबाउट इट। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यू ईयर की, क्योंकि आज 1 जनवरी है एंड हमने सोचा आज रिकॉर्ड करते हैं। सो देवेत, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट कि हाउ वाज 2020 फॉर अस। अच्छा ओके सो पर्सनली 2020 वाज आई थिंक वियर्ड ईयर फॉर एवरीबॉडी. लाइक पैंडेमिक सबकी मार रखी है. नाउ द थिंग इज फॉर द पॉडकास्ट आई थिंक इट वॉजन दैट बैड बिकॉज पॉडकास्ट जैसे 2020 में स्टार्ट हुआ था एंड वी हैव गॉन थ्रू द अप्स एंड एग्जैक्टली गॉन थ्रू द अप्स एंड डाउन्स एंड आई थिंक इट इज गोइंग नाइस. वी गॉट फीचर्ड इन आर कॉलेज मैगजीन विच वॉज रियली नाइस. हाउ वॉज इट फॉर यू? या इट वाज अ प्राउड मोमेंट ऑफ कोर्स, लाइक किसी ने हमें रिकॉग्निशन दिया, व्हाई नॉट। थैंक्स टू आद्या बाय द वे, उसको स्पेसिफिकली भेजूंगा फिर वाली वीडियो में। सो देवे, तेरी वीडियो ऑन है ना, कट गया यहाँ पे बेसिकली, आई कैन नॉट सी यू, Yes, it is on. ठीक है। Your पुराना net sucks. कनेक्शन 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 है रिलेट से, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। सो टॉकिंग अबाउट 2020, मैं अपनी बात बताता हूँ। व्हाट आई रियली फील इज कि 2020 को बहुत गालियां पड़ी हैं, ठीक है, विच इट कहीं ना कहीं डिजर्व भी करता है, ठीक है। बिकॉज द थिंग इज कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, थोड़े सा ऑप्टिमिस्टिक होकर के बात कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली लॉस्ट देयर लव्ड वंस, एंड यू नो इट वाज अ टफ टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट द थिंग दैट वी नीड टू रियलाइज इज कि यू कैन नॉट यू नो ब्लेम ईयर अबाउट, लाइक यू कैन नॉट डू दैट, लाइक इट इट इज अ सर्कल ऑफ लाइफ, दैट इज हाउ लाइफ इज, यू नो, लाइक यू विल हैव योर अप्स, यू विल हैव योर डाउन्स। तो फॉर मी आई वुड से कि ये साल मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहा है, क्योंकि पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, एंड इट इज यू नो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द पॉडकास्ट कि पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, हमने कुछ किया, हम लोगों ने लोगों से इंटरव्यूज किए हैं, लोगों से बात की है, उनसे सीखी है चीजें, एडिटिंग सीखी है, मार्केटिंग सीखी है, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिली है। सो इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव ईयर फॉर मी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ अदर रीजन। हम लोगों ने इतना अपना मतलब बेसिकली फिटनेस पर काम किया है, बाय द वे दिवित हैज लॉस्ट व्हाट 9 kg और समथिंग लाइक दैट। Yes. I think there must be a visible difference that you can see in him. I think अभी Don't 2 महीने में, मतलब कि जो लास्ट वीडियो थी तब दिवित वुड बी व्हाट 80s एंड इन 80s एंड नाउ ही इज इन लाइक 75। do the specifics, but yes. या Yeah, it has been a nice year, dude, honestly. Nice year bhi nahi bolunga. See, I think every year has its ups and downs, right? What main difference in this year was that it threw us out of our comfort zone. Like, देख लो अब क्या करना है. I Maybe mean, it put us in the comfort zone, क्योंकि घर पे ही बैठे रहते हैं वो ना, डिपेंड करता है तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या है. लेकिन सी आई एंड डिफरेंस है। दिस पॉडकास्ट वाज अ रियली नाइस वे. इन अ टाइम ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग वी स्टिल स्टेड कनेक्टेड एंड वी मेट न्यू पीपल एंड इट वाज नाइस. हाँ एग्जैक्टली, एंड लाइक हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इस पॉडकास्ट की ओरिजिनलिटी मेंटेन करने की, बट जस्ट टू लेट यू नो ये हम लोग ऑनेस्टली एक सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा थोड़ी ये मैं क्या करता हूँ, ये हेडफोन ऐसे थे ना। तो एनीवे हमने क्या बात करी थी, इट इज आयरोनिकल, हम लोग लाइक वी एज यू नो पार्टनर्स जो ये पॉडकास्ट चलाते हैं, हम लोग कभी मतलब इन पर्सन हमने पॉडकास्ट के बारे में Don't बात नहीं करी। steal my lines, okay? मैंने या बोला लाइक इवन दो वी टॉक अबाउट लाइक वी हैव फन वी डू हैव फन दिस एंड आई जस्ट लाइक वी हैव नेवर डिस्कस्ड दिस अबाउट इन पर्सन. वी हैव जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन वाज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड दिस इज लाइक मैं 10 बार स्टोरी बता चुका हूँ. बट ही जस्ट कॉल मी लाइक लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट लाइक चिल
और जैसे अभी डूड फर्स्ट जनवरी है यार, अभी मैं सोच रहा हूँ आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी हाँ 10 बजे इसको फोन किया मैंने, 10:30 बजे बैठ गए, रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड कर ऑडियो देखी बेकार थी, वापस रिकॉर्ड करने बैठी है एंड इट्स लाइक अभी डाल भी देंगे, दिस इज लाइक दिस अनएडिटेड वीडियो राइट। यार। सो ये वाला देख कुछ वी नीड टू एक्सपेरिमेंट राइट। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट ये है कि देखो ये वो ये ऐसी वीडियो है जो कि बिल्कुल एडिटिंग नहीं हुई, हम लोग सिर्फ बैठे हैं बात कर रहे हैं, हम लोग डाल रहे हैं, दैट्स इट, जीरो एडिटिंग, या ठीक है। एनीवे अब हम लोग बात ये करेंगे, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि मैंने लास्ट लास्ट पॉडकास्ट में क्या क्या We're talking बोला। about resolutions and from coming जैसे तुमने बोला ये zero editing है, I will talk about my resolution which is more better quality editing जो कि मैं as I also talked about satisfaction, बहुत weird लगता है। I talked about how you have to be satisfied with the content you make, you have to be happy that I made this video, I'm really happy how it turned out right सी and ये वाला पॉइंट मेरा था, मुझे बोले थे ठीक है। सो देख सो इसके अंदर मैंने ये बात बोल रहा था कि देखो व्हेन इट कम्स टू 2021, पहले मैं ये बोल पहले सबसे पहले बात मैं ये करूंगा कि 2021 अब आ रहा है एंड वी ऑल नो कि 2020 वाज यू नो कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब सबके लिए इट वाज चैलेंजिंग राइट। बट लेट्स नॉट यू नो गेट अफेक्टेड बाई द थिंग्स दैट यू सीइंग ऑन द नेट राइट नाउ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल यू नो आर लाइक कि इट्स जस्ट डेट, जो जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट दैट मच, एंड यू नो 20 इट्स जस्ट अ डेट, तो उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, द डेट इज चेंजिंग, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है यार हम सब जानते हैं कि इट इज बहुत ज्यादा डेट 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 बोल दिया मैंने, वी नो दैट इट्स जस्ट यू नो अ नंबर नॉट मच, लेकिन थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो करके, बिकॉज इट इज अ न्यू बिगनिंग एंड एटलीस्ट थिंक कि जो हो चुका है दैट इज यू नो नाउ अ पास्ट, और अब जो आगे आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी द बिगनिंग। सो एटलीस्ट यू नो बोलिए। या व्हेन हम लोग बात करते हैं बार बार लाइक पॉजिटिविटी ही हासिल की, तो सबसे पहले यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक समवेयर है ना, एंड बी पॉजिटिव अबाउट इट। अब जब हम लोगों ने ऑप्टिमिज्म की बात कर ली है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की है ना। तो रेजोल्यूशन की छुट्टी पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी आर माइंडसेट अबाउट दिस पॉडकास्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि देखो आई वुड रियली वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ इंक्यूबेशन पीरियड, जिसके बारे में मैंने लाइक पहले भी शायद बोला है। सो इंक्यूबेशन पीरियड इज यू लेट योर सबकॉन्शियस माइंड थिंक फॉर सम टाइम, लाइक इफ यू लुक एट आर लास्ट वीडियो, मैंने बाद में देखकर ये बात रियलाइज की कि हम लोग कितने उसके अंदर लाइक मैं स्पेसिफिकली कितना उसके अंदर नेगेटिव था, एंड आई वाज प्रोबेबली यू नो समवेयर आई वाज नॉट हैप्पी विद हाउ द पॉडकास्ट वाज गोइंग बाय, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ये था कि आई वाज मेकिंग कंटेंट फॉर व्हाट पीपल वांट टू सी राइट। एंड ये मैं सारे जितने भी लोग जितने भी क्रिएटर्स मेरे को देख रहे हैं, आई थिंक देयर आर अ फ्यू सब्सक्राइबर्स जो कि क्रिएटर्स हैं, हमारे दोस्त ही हैं वैसे मोस्ट ऑफ देम, बट दे आर लाइक क्रिएटर्स, दे मेक थिंग, दे आर लाइक सम ऑफ देम आर फोटोग्राफर, सम ऑफ देम आर लाइक मेक, सम ऑफ देम लाइक मेक वीडियोस अबाउट बास्केटबॉल स्पोर्ट्स और व्लॉग्स एंड स्टफ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन यू आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट यू नीड टू क्रिएट कॉन्टेंट फॉर योर सेल्फ फर्स्ट एंड यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू आर मेकिंग। I think that is the number one thing. If you are making your content according to what people want to see, then you will always, you know, get into that chakravyu ki kitne views aa rahe hain, kitni likes aa rahe hain, kaun kya bol raha hai, but you are not satisfied with what you are making. Yeah. When it comes to the creative space, you need to feel satisfied from inside ki jo main bana raha hu main apne liye bana raha hu aur main kisi aur ke liye nahi bana raha hu. Right? ठीक है, ये मैंने बात तब रियलाइज की जब जिस टाइम मैं पॉडकास्ट नहीं बना रहा था, जब मैं पॉडकास्ट नहीं बना रहा था तब मैंने बात रियलाइज की कि आई लव मेकिंग पॉडकास्ट, इट्स नॉट अबाउट इफ आई एम गेटिंग व्यूज, इफ आई एम नॉट गेटिंग लाइक्स अबाउट इट। जब ये 2 महीने जब मैंने पॉडकास्ट नहीं बनाए तब मैंने इस बात को रियलाइज किया कि आई लव मेकिंग पॉडकास्ट। तो ये दिस इज लाइक द इंक्यूबेशन पीरियड व्हेन आई रियलाइज कि आई थिंक वी शुड नॉट यू नो गेट बिहाइंड द व्यूज एंड गेट बिहाइंड द सब्सक्राइबर्स एंड वी शुड नॉट मेक कॉन्टेंट फॉर you know what people want to see but make content that we like. For example, take this conversation, it is just a conversation between two guys jo chal rahi hai aur kuch scripting nahi, koi kuch nahi, but like we are liking it and we are offering it. Yeah, and there was a very beautiful line you said in the previous podcast jo ab hum nahi dal rahe, which I will edit and put on Instagram now. So take that up. In which line you said Devit, you were right. Yeah. ठीक है, एंड
एंड टॉकिंग, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली वेरी ऑनेस्ट, आई वेरी वाज ऑनेस्ट, लाइक वेरी सीरियस आई अबाउट ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी पॉडकास्ट. दिस, और मैं थोड़ा सा उस टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा वो वाला माइंडसेट का था कि नहीं भाई, वी हैव टू कैपिटलाइज इट, वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर हसलर्स, इफ वी आर मेकिंग समथिंग लाइक पीपल शुड व्यू इट, वी शुड कैपिटलाइज इट, सो प्रमोट करो, ये करो, वो करो. एंड ही वाज लाइक, ब्रो थोड़ा चिल कर, लाइक तू पॉडकास्ट बना रहा है. एंड आई वाज यू नो वेरी हाइपर, मैं थोड़ा सा ऐसा होता था कि मेरे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, बैठ करके देख रहा हूँ कितने व्यूज हो गए, कितने व्यूज, रिफ्रेश किए जा रहा हूँ. सो यू वाज एक्चुअली राइट, और मुझे बाद में ये बात की रियलाइजेशन हुई है. नहीं ऑनेस्टली लाइक फॉर मी आई लाइक व्हेन आई डू द एडिटिंग आई ऑलवेज फील लाइक यू नो आई कैन डू सो मच बेटर और आई कैन रिकॉर्ड आई सी इट इज अ वेरी फन प्रोसेस लाइक इट आई थिंक वी बोथ हैव फन रिकॉर्डिंग इट बट व्हेन यू एडिट व्हेन आई लुक बैक एट इट लाइक आई कुड हैव डन दिस आई कुड हैव सेड दिस और ये इंक्लूड कर सकता था एंड दैट इज द गैप आई ट्राई टू फुलफिल इन एडिटिंग दो यू कैन नॉट एडिट मच इन पॉडकास्ट विच इज That's true. आई थिंक इंस्टाग्राम पे देयर इज वन वीडियो वेयर वी डिड अ कोलैबोरेशन विद द ट्रेन ऑफ थॉट्स And that is one video that I'm actually like proud of. And now I think for my New Year resolution is that I will at least not like I will not even match. I will surpass that standard every single video. And I want to do that honestly. Like, वो कैसे करेंगे वो नहीं पता, but we will do that. I will do that. You will help me do this. Somehow you have to make resolutions. That's how you know. तभी And I think बोल बोल. like if you know what nihilism is, like nihilism is that philosophy that your life has no motive, right? And you know, आजकल इंटरनेट पे, because you know you cannot even blame the internet. The thing is कि पहले भी हर टाइप की फिलोसफी के लोग होते हैं. Every every person has the right to keep his own philosophy, his set of thoughts, right? But अब सोशल मीडिया के थ्रू पीपल आर पुटिंग इट आउट. Now, when people put it out, you will see it. So, until you will see a lot of things, you know, it is just a number, it is just a date, just don't think about it too much. Kuch nahi hoga. People, you know, and somehow I don't know why, but like people think that it's cool to, you know, be the way you are, and the people not ready to change. Aajkal kafi matlab bakwas chal rahi hai internet pe, we all know about that. That's a different topic altogether, anyway. But I think it is very important to you know keep resolutions and you know have some optimism in life. Goals in your life, dude. Kya? Have some goals. Have some. Exactly, have some goals, bro. It is very important to have goals in your life. But anything, it can be anything. If you want to change a habit, do that. You want to change like the way you do something, do that. But do something. आई थिंक मेरा रेजोल्यूशन ये होने वाला है कि पॉडकास्ट अब मैं जो बनाऊंगा वो वापस, वैसे तो वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइक आई जस्ट वांट टू हाईलाइट इट. बहुत बड़ी सी लाइन बोलने की कोशिश करूंगा. द पॉडकास्ट विल बी फॉर मी एंड आई विल प्रोबेबली नॉट, यू नो, आई विल बी लाइक आई विल कीप माई सेल्फ सेटिस्फाइड. आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ सेटिस्फाइड रादर देन सीइंग कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं. लाइक दिस इज गोइंग टू बी फॉर मी लाइक प्रोबेबली लाइक keep my mental peace this year and not get anxious and stressed for like faltu cheeze, right? That is going to be my resolution for this year, for this podcast. Iske alawa like probably read more, like I would really love to, you know, read more this year. Like this is going to be my resolution. Yeah. What about you, Devith? My First, new resolution, tell people about your fat loss journey, bro. Oh, like, okay, shit. I was not expecting that. 2020 for me has been a year of realizations, I think. So, main काफी changes करने की कोशिश कर रही. Most of them were in the last like 1 or 2 months. But I still, I was like, oh shit, I have a lot. I want to finally. change. Yeah, that's the thing. I did it. I like, अब बहुत हो गया. मैं करके ही देख लेता हूँ. So start. I kind of divided it into like three things, which were physical, mental, and emotional. And started with mental, and it took a lot of time. I took a digital detox सब try करा, and I kind of fixed it. Physical, like I was kind of conscious about my fat and my weight, which I reduced. I had lost 9 kgs in the last 1.5 2 months. Is a very big deal अगर लोगों को नहीं पता तो, because like I've done it तो मुझे पता, it's not that easy. Proud of me, thanks. And emotional, I'm not going to mess with that क्योंकि अभी नहीं, बाद में देखते हैं. 2021 New Year resolution, fix your mess, fix your editing style and other things that start with E. Exactly. So I would just say कि I think चलो ठीक है, हमने बात कर ली, 2021 की भी बात कर ली, 2020 की भी बात कर ली. Like we यार but if you think about it, like this it is important to have some positive outlook about it. Like I'm pretty much sure, like
चलो सबके लिए नहीं होता, बट लाइक लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट यू नो क्रिटिसाइजिंग दिस ईयर एंड टॉकिंग अबाउट इट. लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इट, लाइक कई लोगों के लिए ये ईयर पॉजिटिव प्रोडक्टिव भी रहा होगा और बहुत अच्छा भी रहा होगा. कहीं ना कहीं आई वुड से कि आई कैन स्टिल फाइंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन दिस ईयर जो कि मैंने देखी है. अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. आई वुड से डाउन्स भी रहे हैं, अप्स भी रहे हैं, बट आई थिंक इट इज ऑलवेज बेटर टू चेरिश द अप्स एंड फॉरगेट अबाउट द डाउन्स एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड आई वुड से. I think ups and downs, and they happen every year. The only thing about this year was this global pandemic unified us, and we were all sharing our problems. But every year we don't share our success, or we don't share every the good things, which we can do this year, I guess. अगर corona new strain ज़्यादा नहीं problem देता. एग्जैक्टली. अभी तो देखो होपफुली वैक्सीनेशन इज ऑल्सो लाइक देयर. कल से मैं सुन रहा हूँ कि आई थिंक ट्रायल भी स्टार्ट होने वाला, ट्रायल नहीं मतलब लगने स्टार्ट होने वाले हैं. तो होपफुली लेट्स जस्ट सी लाइक हाउ दिस ईयर गोज. लेट्स जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. But I think we did not talk about how much how we are doing more audio podcasts and shifting. हाँ. सो देखो ऐसा है कि वी हैव जस्ट रियलाइज, आई जस्ट रियलाइज दिस वन थिंग कि मैंने बात नोटिस ही की है कि वेन इट कम्स टू दीज पॉडकास्ट जो हम लोग अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं, देखो लाइक वेरी ऑनेस्टली वी आर टेलिंग कि यू हैव टू यू नो लुक अ स्पेसिफिक वे. यू कैन नॉट जस्ट, तुम्हारे बाल इधर लटक रहे हैं, लाइक दैट इज नॉट हाउ यू कैन डू इट. थोड़ा सा तुम्हें जाना पड़ता है पीछे से, अपना रूम नहीं, साफ करना पड़ता है. तूने लाइक दोबारा से रिकॉर्ड करता, रेडी होके एग्जैक्टली. लाइक आई शेयर माई द रूम विद माई सिस्टर, उसको बाहर निकालना पड़ता है. तो इट इज नॉट ईजी. तो लाइक वी विल ऑल्सो ट्राई मेकिंग सम ऑडियो पॉडकास्ट जिसके अंदर मतलब सिर्फ आप बैठो और बोल दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. तो लाइक इट वुड बी इजियर. लाइक यू विल एंड प्रॉबेबली यू विल वी विल बी मोर यू नो इवन दो वी आर वेरी नेचुरल राइट नाउ ऑल्सो, बट वी विल बी लाइक मोर नेचुरल जब हम लोग ऑडियो देखते हैं. आई डोंट नो, मे बी दूसरे बात ही हो रही है. ये सारी चीजें काट देते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग नहीं काटेंगे बिकॉज वी दिस इज एक्सपेरिमेंट. Anything and the best thing I think the audio podcast main when you're not worrying about how you're looking or where you're looking, you can just focus on what you're talking about, or main that will help us keep that originality and natural. उसमें पता नहीं मैं हंसते हुए weird लगूंगा या नहीं, तो I will try not to do that. You know, I can दिखता है तुम्हें, but no, I think it will be nice. I think it will be fun to try it at least. Or ये भी चलता ही रहेगा वीडियो पॉडकास्ट एज एंड व्हेन वी इंटरव्यू. फाइव पे रेडी रहना प्लीज, सपोर्ट चाहिए, ठीक है. सो और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट मतलब अभी बोली थी, हमने जो रेजोल्यूशन अभी अपने बताए हैं, मेरा रेजोल्यूशन ये था कि आई विल नॉट, इफ यू फाइंड मी सैड ऑन द कैमरा अगेन ना, इफ यू सी मी टॉकिंग शिट इन फ्रंट ऑफ कैमरा की व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो टेल मी कि ब्रो तुम्हारा साले तेरा जो रेजोल्यूशन था वो ये था कि यू विल क्रिएट पॉडकास्ट फॉर योर सेल्फ एंड लाइक यू विल कीप योर सेल्फ हैप्पी. और देवित का रेजोल्यूशन ये था कि वो एडिटिंग सुधारेगा. तो अगर कुछ भी तुम्हें लगता है तो टोको हमें, सो दैट दैट द बेनिफिट्स ऑफ पुटिंग थिंग्स ऑन कैमरा. लाइक शक्ल के साथ में बोला था. आउटलुक टुवर्ड्स 2021. होपफुली थिंग्स विल बी बेटर और मेक योर सेल्फ बेटर, इम्प्रूव योर सेल्फ पर्सनैलिटी पे अपने काम करो. अगर अपने जैसे दिवित फाइनली लाइक यू कैन ऑल्सो स्पीक ऑन बॉडी इमेज इशूज नाउ, लाइक इफ यू थिंक यू कैन चेंज तो प्लीज डू इट, इट रियली हेल्प. बहुत जल्दी पॉडकास्ट एक नया निकालते हैं जिसके अंदर हम लोग अपनी अपनी बात करेंगे, बिकॉज फाइनली लाइक हम दोनों उस प्लेस में आ चुके हैं जिसके अंदर हम लोग एक मेजर फैट लॉस जर्नी के थ्रू जा चुके हैं. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक इंटरव्यू हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं सिद्धार्थ खुराना के साथ में. ही इज अ कॉलेज सीनियर एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर. दो आई थिंक 1.5 महीने पहले रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन काफी टाइम से डाला नहीं, तो वो भी आ जाएगा. We have not uploaded because of our exams then, and we had a lot of assignments and tests and very honest, became very difficult. साल का एंड मतलब 31st को आखिरी एग्जाम दिया है मैंने, ठीक है. तुम ये मान के चलो कि 1.5 महीना बहुत बुरा गया है. लास्ट के डेट्स मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेशर है कॉलेज का, बहुत ही ज्यादा.
31 को जर्मन दिया, कुछ नहीं समझ आ रहा था, दिमाग खराब था. बट नहीं, आई थिंक दिस, बट दिस इज फन राइट, दिस पॉडकास्ट इज फन. 1 जनवरी इज समथिंग नाइस, विल मेक Yeah, मोर. that's why. See, that's why we thought ki it's 1st January. We are optimistic. We are positive. Let's just put a video and let's hope that we will stay positive throughout the year. And I think it is very important. पता है बहुत important है कि आप एक positive outlook रखो. So we request you all to do that. And I think ज़्यादा खींचते नहीं है. बहुत बकवास हो रही है. आप यही problem होती है जब काटते नहीं है. हमने चलो ठीक यही बात नहीं. प्रॉब्लम होती है जब हम, हाँ, दूसरी बार बात करते हैं, सब कुछ एंड में याद आता है, इम्पोर्टेंट. Anyway, let's just cut it. That's it from the part-time hustlers, right? Okay. वेट So, टाइम happy बाय. new year. Bye-bye. मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करी थी, जस्ट किडिंग.